वो पूर्ण रूप मिलता है ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता पहुंच दे दीजिए इधर जिन के प्रिय डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनका हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। बहुत ही जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं भाई जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे सचिन भाटी जी जो मुख्य संरक्षक हैं, अजय नागर जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, जिला महामंत्री भाई सेवानंद शर्मा जी, सुभाष भाटी जी, भाई वीरेंद्र भाटी जी, सुशील शर्मा जी, सभी का भाई राज नागर जी, सोनू पीडीसी खास में से मैं सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक उपस्थित सभी राम भक्तों को मैं नमन करता हूँ। भगवान राम हमारे जीवन के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरा भगवान राम का जीवन पूरी मानवता के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए आदर्श रहा। इस भारत की माटी के कण कण में राम बसे हैं। जिस राम राज्य की कल्पना हम सबने की थी वह राम राज्य बनने का सपना हम हमारा पूरा होता नजर आ रहा है। इस माटी में मेरी कर्म भूमि की इस माटी ने जिसने मुझे उस महापंचायत लोकसभा में पहुंचाया, मेरे सहयोगी मेरे कंधे आपने और मजबूत कर दिए, विधायक के रूप में भाई केशपाल नागर जी को दिया जिन्होंने लखनऊ की जिम्मेदारी संभाली और मुझे आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दी। साथियों ये जो रामराज बनाने का सपना है अब हमारे प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। इस कभी भी किसी क्षेत्र की पहचान ऊंची इमारतें नहीं बनाया करती, पत्थरों के ये महल नहीं बनाया करते, बल्कि वहां की सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों से होती है और उस सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों में रंग भरने का काम पूज्य संत सुशील जी महाराज ने जब से नोएडा की स्थापना हुई तब से लगातार करते चले आ रहे हैं। ये धरती ये ग्रेटर नोएडा की माटी नमन करती है पूज्य सुशील जी महाराज को और उनके सभी सहयोगियों को, भाई आनंद भाटी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं सीला समिति के, हमारी बहन ममता तिवारी जी, भाई अजय नागर जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं महासचिव हैं, भाई शेर सिंह भाटी जी, भाई जयपाल जी, अजीत मुखिया जी, भाई महेश शर्मा जी, भाई विजय भाटी जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, भाई जितेंद्र भाटी जी, भाई बहन रोशनी जी, अरुणा जी, सभी को मैं नमन कर देता हूँ। नाम बहुत सारे हैं, सभी हमारे प्रिय भाई सुशील शर्मा जी, पंकज कौशिक जी, सभी को मैं नमन करता हूँ। साथियों हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। अब इस शहर का भविष्य आपके क्षेत्र के अंदर सबसे बेहतरीन होने वाला है। आपके 20 मिनट की दूरी पर यहाँ देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया है। आपके यहाँ 14,000 करोड़ की लागत से बिजली घर बन गया है पूरे गौतम बुद्ध नगर में, जिसकी 60% बिजली हमें मिलेगी। 24 घंटे बिजली आने का जो सपना था आपके बराबर में परी चौक पर एक बहुत बढ़िया कल्चरल सेंटर बन गया है। मैं चाहूंगा सुशील जी महाराज उस कल्चरल सेंटर का भी जिम्मा लें ताकि लगातार धर्म हमारी सबसे बड़ी ताकत, 132 करोड़ देशवासियों को कौन सी ऐसी ताकत है जो हर 150 किलोमीटर पर धर्म जाति खान पान पहनावा बदल जाता है, ये सब कौन सी ऐसी ताकत है। वह हमारी ताकत है हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म जो इस ताकत 132 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में बांधे हुए बैठा है। मेरे सामने बैठे हुए लोग सभी राम भक्त हैं, कोई किसी की धर्म कोई किसी की जाति नहीं पूछता बराबर वाले की बैठी, क्योंकि सब हम सब भारतीय हैं, हम सब राम भक्त हैं। भगवान राम की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और हम अपने संतों का जो राम राज्य बनाने का जो सपना है कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा हो, भाई भाई का रिश्ता कैसा हो, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो और राजा प्रजा का रिश्ता कैसा हो, ये हमारे रामलीला मंचन के माध्यम से अपनी लीला कमेटी लव कुश कमेटी पिछले लंबे सालों से अपनी युवा पीढ़ी के लिए खास तौर पर ये संदेश देती है। मैंने शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।